कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाना है और उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट करके दिया, काफ़ी बच्चों द्वारा भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। तो मैं अंत में यही बच्चों को सलाह दूंगा कि हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर संभव जो है वो प्रयास करने हैं। कोशिश करें अपने जन्मदिन पे एक पौधा ज़रूर लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। घर से अगर आप यात्रा पर निकलते हैं तो स्टील की बोतल में पानी ले जाएँ, पानी जरूर ले जाएं, प्लास्टिक की बोतल का यूज़ कम करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो है वो रिड्यूस करें। बिजली की जब ज़रूरत हो तभी उसका उपयोग करें, अनवांटेड बिजली का बल्ब या फैन जो है वो ऑन ना रहने दें। और जो पानी है पानी की भी बचत जरूर करें, ऐसा ना हो कि जो आपका नल है वो खुला है और आप पानी को बहने दे रहे हैं, तो पानी को व्यर्थ बहने से उसको रोकें। धन्यवाद। परमादरणीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वन विभाग के
एसीएफ अधिकारी, अन्य कर्मचारी वर्ग, मेरे विद्यालय के अध्यापक साथियों व प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पे पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और ये कार्यक्रम लगातार पिछले 15 दिनों से हमारे बच्चे यहाँ पे अलग अलग दिन अलग अलग एक्टिविटी कर रहे थे। आज आप यहाँ पे हमारे, जैसे हम पानी की बात करते हैं, भोजन की बात करते हैं और वायु की बात करते हैं। अगर हम भोजन की बात करें कि ये गंदा है भोजन, ये साफ नहीं है, अभी नहीं खाना हमने, चलो आगे खा लेते हैं जहां पे मिलता है, कि जहां पे शुद्ध भोजन मिलेगा वहां पे खा लेंगे। अगर हम जल की बात करें कि यहाँ पे शुद्ध नहीं है पानी उपलब्ध, हम दूसरे स्थान पे थोड़ी देर के बाद पी लेंगे पानी। लेकिन वायु की बात करें, आप ये सोचेंगे कि अभी हमने ये गंदी वायु सांस में नहीं लेनी है, थोड़ी देर के बाद ले लेंगे, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है मेरा बच्चा। इसके लिए ये सरकार प्रयास कर रही है कि सबसे जो जरूरी अवयव है वायु, जिसके बिना 2 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते, उसको हमने शुद्ध बनाना है। नए नए पेड़ लगाने हैं, अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाना है।